देखिए आज हम बनाने वाले हैं पोहा बहुत दिनों बाद। ये आलू काट के रखे हैं, थोड़ी सी मूंगफली रखी है, गाजर छोटी सी बिल्कुल, और एक प्याज और टमाटर का मैंने बीजे निकाल लिया सारे, और ये मिर्ची हरी और हरा धनिया, और लगाएंगे छौंक इसका राई का, ठीक है, सरसों का, और थोड़ी सी डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आज लेट हो गया, आज फटाफट बना रही हूँ, हाँ ज्यादा अपने को नहीं दिखा पाऊंगी। सबसे पहले हमने ये डाल दिया, इसके बाद करी पत्ता डालेंगे। ये सूखे हुए हैं, मैंने सुखा के रखे हैं, मेरे यहाँ पर तो है नहीं, जितनी बारी लाते हैं लगता नहीं है। थोड़ा प्याज डाल देंगे। ओहो, पहले मूंगफली डालनी थी, मूंगफली के साथ साथ डाल देती, भुन जाएगी। बहुत दिनों बाद डाल रही, बना रही ना, तो मीडियम रखेंगे आँच को, ना बहुत तेज ना बहुत ज्यादा तेज, थोड़ा सा। वैसे तो जिंजर जिंजर डालते हैं, मेरे पास तो है तो मैंने डाल दिया ऐसे, सिर्फ जिन्हें पसंद है, जिनको पसंद है जो खाते हैं वो खा डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैं डालूंगी इसको साइड में करके, आलू और गाजर थोड़ा सा, ये पता है कि मूंगफली और ये आलू वगैरह ना इकट्ठे डाल देंगे, जल्दी का काम शैतान का होता है, आपको पता ही है। थोड़ा सा नमक डाल दें, हल्दी बाकी बाद में डालूंगी, नमक डालने से थोड़ा जल्दी गल जाएगा। इसको मैं ढक भी देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये बीच बीच में मैंने एक दो बारी हिला दिया था, और अब ये काफी अच्छा पक गया लगता है मुझे। ये भी हो गए करारे, मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाले बिल्कुल सिंपल, हल्दी, लाल मिर्च, हरी भी डाली है थोड़ी सी, हिसाब से डालें, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा डालो भी थोड़ा। तो मैंने डाला और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो ये सब मैंने डाला, आलू प्याज गाजर मूंगफली और टमाटो जो डाला है उसका बीज निकाल के, तो ये सब मैंने डाल के भुन भान लिया, मसाले डाल दिए आपने देख ही लिए नॉर्मल, और ये मैंने डाल दिया पोहा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसको भी हम चला लेंगे खूब अच्छे से, उलट पलट करके इसको भी भून लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा नीचे ना लग जाए हल्का सा मसाले के साथ, जो मैंने थोड़ा पानी डाला, और आप चिंता ना करिए बिल्कुल खिला खिला बना है, और खिला खिला बनेगा, और बना भी था खिला खिला, हल्का सा मैंने डाल दिया था, तो इसको बस चला पला के एक दो बार उल्टा उलट पलट करके, ये देखो हरा धनिया भी डाल दिया, हरा धनिया वगैरह डाल के इसको खूब अच्छे से हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी, और बस इसमें रह गया नींबू, तो ये नींबू भी मैंने काट लिया, और नींबू को भी हम निचोड़ देंगे, इसको जो निचोड़ने वाला होता ना मशीन, तो बस इससे हमने निचोड़ दिया लास्ट, और अब हम इसको मिला देंगे अच्छे से नींबू को भी, और इसके बाद हमारी आ जाएगी परोसने की बारी। तो ये देखिए मैंने परोस दिया, और मैं जाऊंगी अंदर देने के लिए, ये सारा मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि इतना टीवी का तेज साउंड होता है, भजन लगाते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और मतलब वेलकम बैक। और ये देखिए
मैं पोहा बना के ले आई और मैंने भी फटाफट नाश्ता करने से पहले नहा धो लेते हैं। ज्यादातर तो हम पहले ही खा लेते हैं, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं बनाने में लगी रहती हूँ, ये होता है फिर ठंडा हो जाता है, फिर दवाई का चक्कर होता है। लेकिन आज तो फटाफट कपड़े की मशीन बस होने वाले कपड़े भी, और ये मैंने फटाफट पोहा बना लिया और आई होप कि अच्छा ही बना होगा, एक बारी टेस्ट करके देखती हूँ। न्यूट्रिशियस बहुत होता है ना, सारे पोषक तत्व इसमें, और ज़्यादा जल्दी बनाना हो तो सबसे बढ़िया होता है ये। तो आज हस्बैंड बोले थोड़ा लाइट सा बनाओ, देखती हूँ खाके बहुत अच्छा बना। हल्का सा काला मिर्च भी, काली नमक भी डाला मैंने, दिखाया नहीं उसमें, हल्का सा। जब वो नींबू डाल देती हूँ उससे पहले, सामने पड़ा दिख गया। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये रहा मेरी बालकनी से सुबह का नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र है भगवान का, थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है और बैक टू लाइफ आई है। बच्चों के स्कूल तो अभी खुले नहीं, सिर्फ 9th, 10th, 11th खुले हैं, बट आई होप कि सब नॉर्मलाइज हो जाए धीरे धीरे। और मेरी बालकनी का बुरा हाल है, यानी कि पौधे मुरझा रहे हैं, धूप तेज़ है, ये दो तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। यहाँ से थोड़ा सा ठीक है मेरा, बहुत प्यारे फूल आए हैं, क्या कहते हैं सदाबहार, नाम जिसका सदाबहार है, काम भी इसका सदाबहार है, बहुत ही प्यारे हैं। इसको कैप्चर करूँगी और इसका वो डालूँगी, और बस वही सुबह शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है अब क्या काम करें, क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में, वही सब होता है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। और आज देखिए क्या बनाते हैं, मैं किचन में ही पहुँच गई ये लेके, और आज मैं सोचा चली बैंगन आलू बनाते हैं, सिंपल सिंपल सब्जी और सिंपल सिंपल तरीके से। और आप कैसे बनाते हैं आप शेयर करिएगा मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बनाते हैं, एंजॉय करिए इसको वीडियो को। देखिए बैंगन आलू मैंने काट लिए, और ये टमाटो है ये स्लिट किया हुआ है, दो तीन हरी मिर्ची छोटी, ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने चढ़ा दिया। और मैं इसको बनाऊंगी सरसों के तेल में, ये मैंने पोंछ ली है कढ़ाई, और अब हम इसमें आटे हो गए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बनती है सरसों के तेल में सब्जी, बहुत ही बढ़िया, तो उसी में बनाऊंगी। वेलकम बैक, और ये खूब तेल हो गया गरम, और मैं इसको ऑफ ही कर देती हूँ, नहीं तो सब कुछ जल जाता है। ये थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ा डालेंगे जखिया, ये जखिए का तड़का बड़ा अच्छा लगता है कोई भी सब्जी में। और पहले डालेंगे आलू, क्योंकि आलू को लगता है टाइम, तो आलू मैंने कम ही डाले हैं, इसको हम चला लेंगे। इसके साथ हम इसको भी तड़का देंगे, क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, बस ज़्यादा तो डालना नहीं, सिंपल सिंपल सी बनानी है सब्जी, आलू के साथ ये भी बन जाएगी। आप बताइएगा, थोड़ा सा डालेंगे पहले नमक और ये हल्दी, ज़रा सी सुस्ती भर, ताकि ये आलू हमारे जल्दी गल जाए सर। और फिर डालेंगे ये, और फिर डालेंगे ये, और बीच में डालेंगे मसाला। वेलकम बैक, और देखते हैं क्या हाल है, कितना ये बना है, तो बस ये हमारा हो ही गया 50% के करीब डन। और ये जो हमारे बैंगन है बड़ी जल्दी बन जाते हैं फटाफट, और क्या हरी मिर्ची डाल दिया, इसको भी हम चला देंगे थोड़ा सा। और मेरे पैर के ऊपर ये तस्तरी गिर गई,
क्या करें, अब डाल देंगे इसमें। मुझे ये वाला बैंगन है ना, वो जो छोटा आता है ना, उसमें बहुत बीज होता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। उसको तो तरी वाला बनाओ, थोड़ा दही वगैरह डाल के, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। ये सूखी सब्जी आराम से खाओ बनाओ, ये मेरे को अच्छी लगती है ऐसे वाले ना। अपने अपने पसंद है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है बैंगनों में। ये वाले जाति का बैंगन, पता नहीं इसका नाम क्या है, अलग अलग होते हैं। हरा बैंगन भी मिलता पर मैंने कभी नहीं खाया, हमने कभी खाया ही नहीं, इसलिए हम लाते ही नहीं और इतना ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी महंगाई, अच्छा नहीं लगा तो फेंकना पड़ेगा। मैं तो यही वाला बैंगन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठा मिल गया अच्छा फ्रेश, तो सोचा यही बनाएं। तो थोड़ा डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर गाइस, और थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ी सी डाली थी, और थोड़ी रेड चिली डाल देंगे। सिंपल बनाना है इसको, सिंपल, जितना इसमें कम मसाला होगा ना, ये बहुत अच्छी बनेगी, टेस्ट उतना ही दुगना आएगा। थोड़ा सा इसमें अभी मैंने कर दिया हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल, ये बिल्कुल चिट्ठी भर। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और नमक, पहले भी डाल दिया ना, ध्यान से डालिएगा बस। और इसको मैं रख दूँगी साइड में, और इसको चलाऊंगी अच्छे से, निकलूंगी सारे मसाले। और इधर फाफड़ा, वो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप कभी बना के देखिएगा। हर बारी तेल में पहले ही मसाले को भून के वो बनाओ ना, वो सब ग्रेवी वाले में अच्छी लगती है, समझ गए आप लोग। तो मेरा स्टाइल ऐसा है, मैं बंद कर दूँगी धीरे आँच पे, और फिर इसको हर आधे पौने मिनट के बाद उलट पलट के देखेंगे। अच्छे से रोस्ट हो रही है, और ये हाफ पे रोस्ट है, इसके बीच में हम डाल देंगे ये टमाटो। टमाटो भी अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में ये थोड़ा सा जो जरूरत पड़ेगी डालने में पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। फिर ढक देंगे वेलकम बाग, और ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के बंद कर दिए, इसको एक आधा मिनट और देख के बंद कर देंगे, ये बन जाएगी बस। ये देखिए, और ये इस समय अब हमारी सब्जी पूरी डन है। और ये आलू हमारा देखिए कितना बढ़िया से गला है, तो सब्जी डन। और अब बनाएंगे रोटियां, कम बैक, और अब बनाते हैं रोटियां। तो एक रोटी मैं आपको बेल के और सेक के दिखा देती हूँ, और इस तरह से हम सुबह मॉर्निंग का जो अपना दवाइयाँ वगैरह लेनी है, इसलिए रोटी सब्जी हमारी बिल्कुल ठीक रहती है। तो 3:30 बजे हम कुछ भी लंच लें इसी तरह से। तो गाइस, ये मैंने रोटी बना दी, और ये तवे पे रख दी, तवे चढ़ा रही हूँ ऐसे। इसकी आंच पे, इसकी फ्लेम पे फुल्का सेकेंगे, दिखाती हूँ आपको। दूसरी रोटी की तीसरी बिल गई, दूसरी सिकेगी।
दो रोटियां बेल चुकी, अब इसमें मैं लगा दूंगी घी। दोनों रोटी दो दो रोटियां जो सिकती जाती है ना, इसमें घी लगाते रहते हैं, क्योंकि पहले रोटी सिकी थी। इस तरह से ये घी लगा के मैं रखती जाऊंगी डब्बे में। पाक तो मैं ये बनाऊंगी, आपको पता ही होगा ये जो करवा चौथ पे मिलती है ना ऐसी वाली सेवई, तो उसी को ये ड्राई हो जाएगा ना थोड़ा सब्जी रोटी, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा बना देती, काफी दिन से ये पड़ा भी हुआ था ना, फेनी सेवई जैसी होती है तो वही बना लेते हैं थोड़ा सा। इसे तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है घी, बट थोड़ा सा मैंने डाल दिया। तो इसमें डाल देंगे दूध एक कप, इसको बनने देंगे। वेलकम बैक, और दूध डाल दिया हमने, और हम थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं, फिर इसमें फेनियाँ डाल लेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा साथ में, हल्का सा खाने अच्छे से गर्म हो गया। और अब हम इसमें डाल देंगे, यूज भी हो जाएंगे ना। खत्म करो इसको। एक हल्का सा बॉइल आ जाए, लास्ट ये जरा सी पची हुई थी तब से ना, अभी तक चली, आज इनको बना देते हैं। तो ये बन गई, तो ये मैंने गरम करने रख दी नाश्ता, और ये मेरे सेवई गई, इसको भी मैं रख दूंगी, और इसमें हस्बैंड को परोस के देती हूँ ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक, और ये मेरी थाली होगी तैयार, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। आलू बैंगन की सूखी सब्जी, ये फेनी सेवई जैसे होता है, और ये दो रोटियाँ और एक मेथी का पराठा। तो ये हमारा न्यूट्रिशियस बढ़िया सा, जो खूब घूम के आया ना, काफ़ी सैर करके आते हैं, 7-8 किलोमीटर तो लेके चलो, 8-10 भी हो जाता है, पर मैं मना करती हूँ। तो अब दे रही हूँ मैं इनको नाश्ता है, मैं क्या करूँ, तो ये मैं इनका नाश्ता टेबल पे लगा रही हूँ, वो बैठे थे सोफे पे, मैंने कहा आ जाओ टेबल पे लगा दिया आपका, और ये उनको मैंने नाश्ता परस दिया, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता लगाऊंगी। बहुत तेज़ तेज़ लगाते हैं, कितना ही बोल लो इसके काफ़ी बहस भी हो जाती है। वेलकम बैक, तो ये मेरा नाश्ता, आलू बैंगन की सब्जी, थोड़ी ये फेनिया सेवई जिसको भी कहते हैं, तो ये रोटियां दो, तो ये मैंने बनाई, आप हस्बैंड को तो खिला दिया, अब मैं करने लगी हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग शेयर करिएगा मेरे साथ कि कैसे कैसे बनाते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट्स करिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन। और ये हमारा इसलिए हैवी होता है क्योंकि हस्बैंड घूम के आते हैं, रात को नहीं खाते, रात को दूध वूध पी के सोते हैं, तो डिनर बहुत कम होता है, एक आधा ब्रेड खा ली या एक एग ले लिया, ऐसा कुछ हल्का सा कुछ ले लेते हैं, बाकी कुछ लेते नहीं, तो इसीलिए हमारा ये हैवी होता है। आपको लग रहा होगा तो खाना जैसा है, बट हाँ ये हम ऐसे ही खाते हैं, लंच भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, भूख नहीं लगती इतनी, पर अगर लगती है तो थोड़े थोड़े दाल चावल बना लिए बना ली, या खिचड़ी। तो मैं खाती हूँ अपना ये डिलीशियस सा बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।